हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नासिक घूमने के सात प्रमुख स्थान। नंबर सात, सिक्का संग्रहालय। नासिक में स्थित एक महान पर्यटन स्थल है। एशिया में यह अपनी तरह का केवल एक ही सिक्का संग्रहालय है। संग्रहालय में लेख, तस्वीरें, वास्तविक और दोबारा चलन वाले सिक्के है। नंबर छह, मुक्ति धाम मंदिर। नासिक में सबसे खास जगहों में से एक मुक्ति धाम मंदिर है। मंदिर खूबसूरती से शुद्ध सफेद रूप में बनाया गया है। इसकी दीवारों पर भगवद गीता के 18 अध्याय है। यह मंदिर भारत में 12 ज्योतिर्लिंग की सटीक प्रतिलिपि है। नंबर अंजनेरी पर्वत नासिक के सबसे खास पर्यटकों में से एक है। बताया जाता है कि यह पर्वत भगवान हनुमान जी का जन्मस्थान है। इस पहाड़ी पर एक मंदिर है, यहाँ पे ट्रैकिंग भी की जा सकती है। इस पर्वत के ऊंचाई से बहुत सारे सुंदर दृश्य भी दिखते हैं। नंबर चार, सप्तशृंगी मंदिर। यह मंदिर छोटे बड़े सात पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए देवी को सप्तशृंगी यानी सात पर्वतों की देवी कहा जाता है। इस पहाड़ों में सौंदर्य के बीच सप्तशृंगी मंदिर है। नंबर तीन, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। नासिक से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्र्यंबकेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित काले पत्थरों से बना अद्भुत स्थापत्य है। यह के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उगम है। नंबर दो, पांडवलेनी गुफा। पांडवलेनी नासिक में स्थित है, जहां कोई भी वास्तुकला प्रेमी प्रसन्न होगा। त्रिवाश्मी पर्वत के पठार पर बसे पांडवलेनी गुफाएं 20 से अधिक सदियों पुराने है। गुफाओं की संख्या 24 है और जैन राजाओं द्वारा निर्मित माना जाता है। इस गुफाओं को पंटरू कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पीला रंग। नंबर एक, हरिहर फोर्ट। हरिहर घाट नासिक में कसरा से 60 किलोमीटर दूर एक बेहद खूबसूरत पहाड़ है, जिसकी चोटी पर एक किला है। इस किले को हर्षगढ़ भी जाना जाता है। इस पर चढ़ना हर किसी की बात नहीं, क्योंकि इसकी कई जगहों पे 90 डिग्री जैसी है। यहाँ चढ़ना इतना खूबसूरत तरीके से जाना जाता है, हर वक्त सांस से अटक जाती है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन है तो आपको हरिहर किले पे जाना ही चाहिए। वेल दोस्तों, ये तो थी नासिक की कुछ खास जगह। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।